2024 का स्प्रिंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और इस सीजन की सारी एनिमी सीरीज भी खत्म होने को है। लेकिन हाँ, हमें समर सीजन का लाइनअप भी देखने को मिल चुका है, जिसमें से कुछ एनिमी तो बहुत ज्यादा कमाल की हैं और ऑफिशियली हिंदी डब में अनाउंस हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूँ कि टॉप 10 एनिमी जो आप हिंदी डब में इस समर सीजन में देख सकते हो, वो भी उनके टाइटल और उनकी रिलीज डेट के साथ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि काफी कमाल की एनिमी सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर 1 पे देखने को मिलती है स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज अ ह्यूमन, जहां बेसिकली इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है वो डीमन लॉर्ड आर्मी के अंदर एक बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड मैजिशियन होता है, जो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये बंदा अकेले ही पूरी आर्मी को वाइप आउट कर सकता है। बट अपने सभी डीमन अलाइज से ये एक बात छुपा के रखता है कि ही इज एक्चुअली अ ह्यूमन, जो अगर उन लोगों को पता लगा तो वो सारे उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे और फिर ये बंदा अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, जो है डीमंस एंड ह्यूमंस के बीच में कोएग्जिस्टेंस। जहां ट्रेलर देखने से ही ये सीरीज बहुत तगड़ी लग रही है और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड एनिमी में से एक है। सो हां, इसे जरूर ट्राई करना। इसके बाद हमें नंबर 2 पे देखने को मिलती है आलिया सान हाइड्स हर फीलिंग इन अ रशियन, जो इस सीजन की मोस्ट एंटीसिपेटेड रोम कॉम में से एक है, जहां इस सीरीज की जो वेफू है वो हमारी हाफ रशियन और हाफ जैपनीज देखने को मिलती है, और इसी वजह से ये बंदी बहुत ज्यादा सुंदर होती है क्योंकि इसके पीछे पूरा स्कूल दीवाना होता है। लेकिन कमाल की बात, इस बंदी को पसंद कौन आता है? एक टिपिकल एवरेज लोनर बॉय जो इसके बगल में बैठता है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर, जहां ये बंदी अपनी दिल की सारी बातों को रशियन लैंग्वेज में कन्वे करती है ताकि एमसी को समझ ना आए। लेकिन हाँ, एमसी भी लौंडा कहां पीछे रहने वाला था, वो सारी बातें समझ जाता है, प्रॉपर ब्लश करके दिखाता है, लेकिन प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं समझ में आया है, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ी हथियार डालेगा वो। तो हाँ, इस सीरीज में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि इनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड इसके बाद नंबर 3 पे हमें सीरीज देखने को मिलती है डेज विद माय स्टेप सिस्टर। ये सीजन की वो एनिमी है जिसके लिए पर्सनली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसका जो प्लॉट है बहुत ज्यादा कैची है, जहाँ यूटा आसामुरा के फादर जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो जो उसकी स्टेप मदर होती है उनकी एक बेटी होती है जो उसी की एज और उसी के स्कूल में पढ़ती है, जो काफी ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन अब वो उसकी स्टेप सिस्टर है। तो शुरुआत में दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखेंगे, क्योंकि दोनों को जिंदगी में इतना ज्यादा प्यार नहीं मिला होता है, दोनों के पास कुछ ना कुछ वीकनेस होती है जो एक दूसरे के आसपास आने से वो पूरी हो रही होती है, तो दे स्टार्ट फॉलिंग फॉर ईच अदर। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने मदर फादर को सपोर्ट करेंगे या फिर अपनी फीलिंग्स की सुनेंगे। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए तो हमें इस सीरीज को देखना पड़ेगा। खैर, जिसके बाद हमें नंबर 4 पे देखने को मिलती है टावर ऑफ गॉड सीजन 2, जहां आप सभी को शायद इस सीरीज के बारे में पता ही होगा, क्योंकि इसका सीजन 1 बहुत ज्यादा तगड़ा था और सीजन 2 के लिए इतना तगड़ा क्लिफहैंगर छोड़ा था कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 भी हिंदी डब में देखने को मिलेगा, जहां इस बार इस सीरीज की जो स्टोरी फॉलो करने वाली है वो जा वंगान को करने वाली है, जो 20th फ्लोर पे फंस गया होता है और उसे पार नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन ये बंदा हार मानने के लिए राजी नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये जो बंदा है ये प्रिंस ऑफ जाराद है, जो बेसिकली टावर को रूल करते हैं। तो अगर ये रूलर ऑफ द टावर है तो ये इतनी बार फेल कैसे हो रहा है? तो ये सारे सवालों के जवाब तो हमें सीरीज देखने के बाद ही पता लगेंगे, तो इसे जरूर चेकआउट करना। खैर, नंबर 5 पे हमें देखने को मिलती है विस्टारिया वन एंड शॉट, जिसे तुम ब्लैक क्लोवर की सस्ती कॉपी भी कह सकते हो, क्योंकि मेन कैरेक्टर इस सीरीज का जो है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, उसे एक भी मैजिक स्पेल यूज करना नहीं आता है। लेकिन इस बंदे ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को प्रॉमिस कर दिया होता है कि ही विल बी द टॉप स्टूडेंट ऑफ द एकेडमी। अभी बंदे के पास मैजिक पावर तो है नहीं, तो ये अपनी शॉट से डंजन के मॉन्स्टर को डिफीट करके स्ट्रॉन्ग बनता है और एकेडमी के लिए क्रेडिट्स अर्न करता है। तो प्लॉट तो बहुत बेसिक है, लेकिन मैं पर्सनली इस सीरीज के लिए एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि इस सीरीज का जो डायरेक्टर है वो हमारे ब्लैक क्लोवर का ही डायरेक्टर है, और ऊपर से चेंसो मैन का एक्शन डायरेक्टर भी इसके ऊपर काम करने वाला है। और कमाल की बात, इस सीरीज को लिखा किसने है? डेनमार्की सीरीज के क्रिएटर ने, जिसे वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर सीरीज में से एक काउंट किया जाता है। तो हाँ, सीरीज काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, तो इसे भी जरूर ट्राई करना। खैर, नंबर 6 पे हमें देखने को मिलती है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड, जो बेसिकली एक इसी का एक कॉमेडी है, क्योंकि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग बंदा होता है जो हमेशा मरने की ही कोशिश करता है, जबकि इसके आसपास काफी सारी क्यूट लड़कियां देखने को मिलती हैं। ऊपर से गेम्स की तरह इसके पास काफी सारी सुपर नेचुरल एबिलिटीज एंड पावर्स होती हैं, जो किसी भी बंदे को खुश करने के लिए काफी हैं। लेकिन ये बंदा फिर भी अपनी मौत को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन फिर भी इसे कैसे ना कैसे करके बचा लेती है, जो बहुत ज्यादा डार्क है, लेकिन हाँ, सीरीज में काफी फनी देखने को मिलता है। तो तुम इसी का एक कॉमेडी को जरूर ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद नंबर 7 पे हमें देखने को मिलता है व्हाई डस नोबडी रिमेम्बर मी इन दिस वर्ल्ड। बेसिकली सीरीज में एक वॉर चल रही होती है 5 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, लेकिन सिड यानी कि जो एक हीरो हुआ करता था, उसने इंसानों की तरफ से लड़के इंसानों को इस वॉर में जीत दिला दी होती है। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होती है, इस वर्ल्ड को रीराइट कर दिया जाता है, वो भी काय के सामने। तो अब इस न्यू टाइमलाइन के अंदर लोग ना काय को जानते हैं ना ही सिड को जानते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस वॉर हार जाते हैं। तो अब ड्रैगन्स एंड डीमंस का रूल होता है, लेकिन हमारा काय डिसाइड करता है कि वो सिड की एबिलिटीज को पोसेस करेगा और उसकी शॉर्ट को लेके इस फेट को चेंज करेगा,
है कि दोबारा से ह्यूमंस कंट्रोल पा सके। तो बेसिकली ये भी एक इसेकाई एनिमी है जिसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है और एनिमेशन भी बहुत तगड़ी लग रही है, तो तुम इसे भी ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद नंबर 8 पे हमें देखने को मिलता है क्वालिटी एश्योरेंस इन द अनदर वर्ल्ड, जहां सीरीज फॉलो करती है निकोला को जो एक नॉर्मल सी पीसफुल विलेज में रहने वाली लड़की हुआ करती है, लेकिन एक दिन उसके विलेज में ड्रैगन्स अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा हागा जो एक सुपर डिटेक्टिव है, लेकिन ये बंदा क्राइम नहीं बल्कि इलनेस को टैकल करता है। तो दोनों लोग ड्रैगन से बचने के लिए अपने एक दूसरे के साथ टीम अप कर लेते हैं और हाथ मिला लेते हैं, लेकिन अभी भी दोनों के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद अगर बाहर आए तो इसके फेट को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं और काफी सारी चीजें बदल कर रख सकते हैं जो वो छुपा के रख रहे हैं। तो क्या है वो चीज, वो तो हमें सीरीज देखने के बाद पता लगेगा, सो डू चेक दिस आउट। जिसके बाद हमें नंबर 9 पे देखने को मिलती है मकाइन टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। बेसिकली अगर इस लाइन के प्लॉट को मैं एक लाइन में बताऊं तो वो ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर है जरूरतमंद लड़कियों को कंधा देता है, बस यही है इस सीरीज का प्लॉट। बैकग्राउंड में रहना इस बंदे को पसंद है, इसे ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में रहने की वजह से ही ये एक दिन एक पॉपुलर गर्ल को रिजेक्ट होते हुए देख लेता है, जिसके बाद काफी सारी लड़कियां जो अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ परेशान होती हैं, कुछ ना कुछ टैकल कर रही होती हैं, वो हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ में एंटर हो जाती हैं, और बस हमारा मेन कैरेक्टर ना चाहते हुए उन्हें कंधा देते हुए ही सीरीज को आगे बढ़ाता है, जो टिपिकली एक रोमकॉम सीरीज है जो बेस है हाई स्कूल लाइफ के ऊपर। तो अगर तुम्हें इसे ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो, ये हिंदी डब में देखने को मिलेगी। जिसके बाद फाइनली नंबर 10 पे हमें देखने को मिलती है बाय बाय अर्थ की। जरा सोच के देखो, दुनिया के सारे एनिमल्स ह्यूमंस की तरह देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उन सभी के बीच में तुम इकलौते इंसान हो, तो डेफिनेटली सर्वाइविंग इज वेरी टफ, क्योंकि इसी सिचुएशन से बेला सफर कर रही होती है। तो वो इंसानों को ढूंढने के लिए जर्नी पे निकलती है क्योंकि एनिमल्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो उसे जहां जहां जाना पड़ता है वहां पे रेबल करना पड़ता है, इसलिए हमें उसके पास एक बहुत पावरफुल शॉट भी देखने को मिलती है। बाकी क्या वो अपने जैसे इंसानों को ढूंढ पाएगी या उसे एनिमल एक्सेप्ट कर देंगे, ये तो हमें सीरीज देखने के बाद पता लगेगा। सो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सारी सीरीज पसंद है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अगर इनका लिंक चाहिए होगा तो ये जैसे ही आउट होती है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेगा। बाकी हाँ, एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जितनी भी एनिमी सीरीज है सारी हिंदी डब्ड है, तो तुम इन्हें एंजॉय कर सकते हो। बाकी ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।